एलजी साहब, थोड़ा सा संविधान पढ़ लें। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र पर उपराज्यपाल को एतराज, जाने क्या बोले सीएम केजरीवाल। आज दिल्ली विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये विशेष सत्र तब बुलाया गया है जब दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति की जांच को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजकर रविवार को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का ये विशेष सत्र केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। हालांकि अचानक से बुलाए गए इस विशेष सत्र को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने आपत्ति दर्ज की है। उपराज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली कैबिनेट और दिल्ली विधानसभा कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव को पत्र में लिखा है कि ये मेरी समझ से बाहर है कि आखिर किन नियमों के तहत बजट सत्र के दूसरे भाग के नाम पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने एक दिवसीय सत्र को बुलाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लिखा है कि 29 मार्च को बजट के बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। उपराज्यपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उचित प्रक्रिया के बिना सदन बुलाने की सिफारिश की गई है और 17 अप्रैल को बुलाया गया एक दिवसीय विशेष सत्र नियमों के तहत नहीं है, इसलिए इसे नहीं बुलाया जाए। साथ ही उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि ये चकित करने वाला है कि इस एक दिवसीय विशेष सत्र के लिए कोई लिस्ट ऑफ बिजनेस पहले से सूचीबद्ध नहीं किया गया, जिससे कि सदन में हिस्सा लेने वाले सदस्य विषय की पूरी तैयारी करके विधानसभा पहुंचे। उपराज्यपाल की इस आपत्ति से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी एक दिवसीय विशेष सत्र को बुलाए जाने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उपराज्यपाल की इस आपत्ति पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए लिखा, एलजी साहब को मैं समझाना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 17 के तहत विधानसभा अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुलाने की शक्ति है। इसके साथ ही जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कल सदन होगा, जरूर होगा, सदन तो ऐसे ही बुलाते हैं। उपराज्यपाल की टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इसलिए चाहता हूं कि एलजी साहब थोड़ा सा संविधान पढ़ ले या कोई ऐसा सलाहकार रख ले जो कानून और संविधान की जानकारी रखता हो। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज के इन बयानों के बाद उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से एक और बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक पुराना सत्र पूरा नहीं हो जाता तब तक नए सत्र की घोषणा नहीं की जा सकती। ऐसे में उपराज्यपाल ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह विधानसभा के विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। साफ है कि उपराज्यपाल ने फिलहाल एक दिवसीय विशेष सत्र को मंजूरी नहीं दी है, बावजूद इसके केजरीवाल सरकार इस विशेष सत्र को चलाने के लिए अड़ गई है। वहीं इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आज विधानसभा का विशेष सत्र चलाया जाना है। माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा शराब नीति को लेकर करीबन 9 घंटे की पूछताछ के मामले में अरविंद केजरीवाल विधानसभा में आज अपनी बात रख सकते हैं। वहीं एलजी की आपत्ति और अचानक से सदन बुलाए जाने पर बीजेपी विधायक सत्ता पक्ष के विरोध में सदन में जमकर हंगामा करने की तैयारी में भी है। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।